हे गाइस, वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कम्युनिकेबल डिजीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? सो क्या डेफिनेशन रहेगी इसकी, कि कोई भी इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट हो रहा है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या फिर आप बोल सकते हो ससेप्टिबल से लेके कहाँ पे जा रहा है, होस्ट को जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज। सो क्या डेफिनेशन रहेगी इसकी? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम ससेप्टिबल टू होस्ट। सो दीज आर द टू डेफिनेशन फॉर द कम्युनिकेबल डिजीज। नाउ कम्स ऑन द पीरियड। व्हाट इज द कम्युनिकेबल पीरियड? सो गाइस, कम्युनिकेबल पीरियड हम किसको बोलेंगे, जब जो ट्रांसमिशन है इंफेक्शियस एजेंट का फ्रॉम रिजर्वर टू द होस्ट, इट मीन जिसने इन्फेक्शन को रिसीव किया है और जो ट्रांसमिट कर रहा है दूसरे पर्सन को, उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल पीरियड। सो सेकंड चीज मैं मेंशन कर रही हूं, कम्युनिकेबल पीरियड टाइम बिटवीन ट्रांसमिशन ऑफ रिजर्वर टू ससेप्टिबल होस्ट, इसके बीच का जो टाइम है, इट मीन्स जब रिजर्वर ने होस्ट को क्या किया, इन्फेक्शन ट्रांसमिट किया, उस टाइम ड्यूरेशन को, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल पीरियड। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कंट्रोल कैसे होता है, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके, जो सोशल हाइजीन है उसको मेंटेन करके, या फिर हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, और हम अवेयरनेस कर सकते हैं डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग। इट मीन्स कि डिजीज कंडीशन कौन कौन सी हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आती हैं। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। सो नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। इट मीन्स कौन कौन सी चीजें हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज को कॉज करती हैं। सो फर्स्ट वन आता है आपका टाइप्स के अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज। इट मीन्स कम्युनिकेबल जो डिजीज है वो रेस्पिरेटरी में कौन कौन सी अनदर डिजीज कंडीशन को पैदा कर सकती हैं, और जिसके अंदर मेन एग्जांपल आता है टीबी का, दैट इज द ट्यूबरकुलोसिस। सो इसमें क्या एग्जांपल आएगा, ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंड थिंग्स आती है आपकी, अदर कौन सा डिजीज कंडीशन है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इट मीन्स जो आपकी आंत होती है, बड़ी आंत छोटी आंत, उसमें कौन कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है जो कि कम्युनिकेबल कहलाती है। सो उसके अंदर आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एंड आप बोल सकते हो डायरिया ऑल्सो। थर्ड थिंग आती है आर्थ्रोपॉड बोन इन्फेक्शन। इट मीन्स जो क्या है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी वजह से जो डिजीज कंडीशन हो जाती है उनको भी हम कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर इंक्लूड करेंगे, और जिसमें आता है प्लेग। सो थर्ड वन आता है आर्थ्रोपॉड डिजीज, इसके अंदर इंक्लूड होगा प्लेग। फोर्थ टाइप आता है इसका सरफेस इन्फेक्शन। सरफेस इन्फेक्शन इट मीन्स जो कि आपके स्किन डिसऑर्डर में आता है, सरफेस इन्फेक्शन में मेनली होगा लेप्रोसी। सरफेस इन्फेक्शन।
जिसके अंदर कौन सा डिसऑर्डर आएगा? लेप्रोसी। सो ये सारे किसके अंदर आते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज के टाइप्स में। एंड लास्ट टाइप्स इसका आता है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि आपको ऑलरेडी पता है जिसके अंदर एड्स की कंडीशन अराइज होती है। सो फिफ्थ वन इज द एसटीडी, जिसके अंदर आता है एड्स की कंडीशन। सो दीज आर ऑल द टाइप्स फॉर द कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट हम जंप करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? कि जो रेस्पिरेटरी या इन्फेक्शियस या सरफेस वाले जो डिजीज कंडीशन है वो कौन से मोड से ट्रांसमिट होते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में भी फोर स्टेप्स आते हैं, या फोर टाइप आप बोल सकते हो, कैटेगरीज बोल सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एयरबोन ट्रांसमिशन। इट मींस जो आपकी एयर में ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है, जिसमें आप बोल सकते हो जो ट्यूब्रोक्लोसिस है वो मेनली ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। सो सबसे पहले है एयरबोन ट्रांसमिशन। सेकेंड थिंग आती है कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, इट मीन्स हैंड टू हैंड। लाइक जब आप क्या करोगे, कॉन्टैक्ट करोगे वन पर्सन का हैंड या इन्फेक्टेड पर्सन का हैंड दूसरे हेल्दी पर्सन के साथ, तो उसको हम कौन सा ट्रांसमिशन बोलेंगे? कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। सो सेकेंड वन इज द कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। थर्ड आते हैं वाटर बोर्न ट्रांसमिशन। इट मींस जो इन्फेक्शन किसके थ्रू फैलते हैं? वाटर के थ्रू। तो क्या बोल सकते हो आप? वाटर बोर्न ट्रांसमिशन। सो ये जो कैटेगरीज हैं इनको आप कॉजेज भी बोल सकते हो कम्युनिकेबल डिजीज के, और तुम इनको मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन, जो कि किसके थ्रू होती है? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, या फिर आप बोल सकते हो टिश्यूज के थ्रू। सो लास्ट वन इज द ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन। इट मीन्स इसके अंदर आप समझ सकते हो कि अगर किसी कंटामिनेटेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया हेल्दी पर्सन में, तो वो कौन सी ट्रांसमिशन में इंक्लूड होगा? ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन में। सो गाइज इनको आप क्या कर सकते हो? कॉजेज के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो और ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग भी आप इसको लिख सकते हो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कंडीशन आती हैं, जिसके अंदर टीबी आता है, चिकन पॉक्स, मीजल, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा एंड वूपिंग कफ। सो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को। सो इनके अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? ट्यूब्रोक्लोसिस, वूपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, दैट्स इट। सो ये सारे जो डिजीज कंडीशन है वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर। इट मींस ये जितनी भी डिजीज कंडीशन है उनका जो ट्रांसमिशन है वो किसके थ्रू एंटर कर रहा है? आपकी रेस्पिरेशन के थ्रू, या तो इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो, और जिसके अंदर आपका मेन जो कॉजेज है वो रहेगा ड्रॉपलेट या फिर एयरबोन ट्रांसमिशन। नाउ हम इनको अलग अलग तरीके से हम इनको फुल डिटेल में पढ़ेंगे। सो जंप टू द फर्स्ट डिजीज कंडीशन, दैट इज द ट्यूब्रोक्लोसिस। सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्यूब्रोक्लोसिस डिजीज कंडीशन, ट्यूब्रोक्लोसिस। सो इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे? डेफिनेशन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम, एनी कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट, साइन एंड सिम्टम, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ेंगे? ट्यूब्रोक्लोसिस के अंदर। और लास्ट में हम इसका क्या पढ़ेंगे? नर्सिंग मैनेजमेंट। इट मीन्स क्या उसके डायग्नोसिस हैं और क्या तुम प्रिवेंशन के लिए वहाँ पे यूज कर सकते हो। सो ट्यूब्रोक्लोसिस की क्या डेफिनेशन होगी? इट इज द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन
दैट इज कॉज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड मे अफेक्ट द ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट मीन्स इसके अंदर जो मेन कॉजेज है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, ड्रॉपलेट के थ्रू, इट मीन्स कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके थ्रू वो ड्रॉपलेट के थ्रू आया बैक्टीरिया और कहाँ पे चला गया, हेल्दी पर्सन के अंदर चला गया. सो कुछ टाइम पे वो क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है हेल्दी पर्सन के अंदर. बट हाँ, जब वो फिर से किसी अनहेल्दी पर्सन के साथ या फिर ट्यूबरक्लोसिस वाले पर्सन के साथ फिर से कॉन्टैक्ट में आएगा तो गाइस उस टाइम पे वो रीएक्टिवेट होके वो कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन को. और ये एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मानी गई है इन द वर्ल्ड. एंड गाइस इसके अंदर कौन कौन से वाइटल ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, इट मीन्स ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जिनमें ट्यूबरक्लोसिस, जिनमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, बोन्स में, जॉइंट्स में, लिम्फ ग्लैंड्स में, स्किन में, ब्रेन में. सो आप बोल सकते हो इट मे अफेक्ट ब्रेन, लिम्फ नोड्स, यूट्रस, स्पाइन, बोन्स, जॉइंट्स एटसेट्रा. सो दीज ऑल आर द डिफरेंट साइड्स ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके रिस्क फैक्टर. सो हमने कॉजेज तो देख लिया, ट्यूबरक्लोसिस का मेन कॉज रहता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई. नेक्स्ट चीज आती है कौन कौन से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं, इट मीन्स जो उसको कॉज कर सकते हैं या उसको उस डिजीज कंडीशन को बढ़ा सकते हैं. सो नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर. किस चीज के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए. सो इसके अंदर सबसे पहले आता है ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन. कैसे ओवर, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी गाइस, आपको नहीं पता है कि पॉपुलेशन में, ओवर क्राउडेड एरिया में कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको जिसको क्या है, ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस है. सो सबसे पहला रिस्क रहता है ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन. सेकेंड थिंग आती है माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन क्यों कॉज करेगा ट्यूबरक्लोसिस को, क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई है वो मेनली लो इम्यूनिटी वाले पर्सन को ज़्यादा अटैक करता है. सो इसमें माल न्यूट्रिशन भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है. थर्ड थिंग आती है पोवर्टी. पोवर्टी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द माल न्यूट्रिशन, बिकॉज जो बंदा पुअर है वो खाना कहाँ से लाएगा, उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होगी, तो उसको क्या कॉज हो सकते हैं, ये कॉम्युनिकेबल डिजीज, पोवर्टी. फोर्थ वन, ओवर क्राउडेड हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, पोवर्टी हो गया. नेक्स्ट आता है एल्कोहलिज्म. यू ऑल नो दैट एल्कोहलिज्म एंड सिगरेट स्मोकिंग टोटली डैमेज टू योर लंग्स. सो एल्कोहलिज्म भी एक कॉज रह सकता है, लाइक एक्सेसिव अगर एल्कोहलिज्म कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कॉज कर सकता है. नेक्स्ट थिंग आती है ड्रग एडिक्शन. फिफ्थ वन इज द ड्रग एडिक्शन. ड्रग एडिक्शन भी कॉज कर सकती है ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन को. लाइक ये डायरेक्ट आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं कॉज करेंगे, बट हाँ किसी अनदर वे से. फॉर एग्जांपल किसी ने, कोई ड्रग एडिक्टेड है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता है, तो हो सकता है उसको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन होगी और उसकी लो इम्यूनिटी की वजह से वो कहीं ओवर क्राउडेड प्लेस में गया और वहाँ पे उसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई ने घेर लिया, तो उस रीज़न की वजह से वहाँ पे हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस. एंड गाइज लास्ट वन रह सकता है एच आई वी इन्फेक्शन. ऑलरेडी मैंने बताया है लो इम्यून सिस्टम होने की वजह से. सो सिक्स्थ वन इज द एच आई वी इन्फेक्शन.
सो दीज ऑल आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द ट्यूबरक्लोसिस. नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द ट्यूबरक्लोसिस. साइन एंड सिम्टम्स, सो साइन एंड सिम्टम में कोई भी अगर बैक्टीरिया आपके लंग्स में या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जंप कर रहा है, सो सबसे पहले वहां पे क्या होगा, फीवर आएगा, कफिंग होगी. सो क्या क्या आप लिख सकते हो, फीवर, कफिंग, हीमोपेटाइसिस. व्हाट इज हीमोपेटाइसिस? इट मींस जो स्पूटम है उसमें ब्लड आएगा, ब्लड इन स्पूटम. फटीग रहेगी, इट मीन्स उसको थकावट रहेगी, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा खांसी आएगी कि उनको बहुत ज़्यादा थकावट फील होगी. वेट लॉस होगा. एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, इट मीन्स भूख नहीं लगेगी. टायर्डनेस रहेगा. इन्फेक्शन होंगे डिफरेंट डिफरेंट. साइन एंड सिम्टम में फीवर, कफिंग, हीमोपेटाइसिस, फटीग, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, टायर्डनेस एंड ऑल्सो अनीमिया भी वहां पे हो सकता है, बिकॉज जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है वो कहीं ना कहीं आपके जो ब्लड के कंटेंट होते हैं उनको वो कम कर देता है, इट मीन्स आरबीसीज को कम कर देगा. नेक्स्ट आता है कि इसका जो क्लासिकल साइन आता है वो लाइक आप कब बोल सकते हो कि ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट उसको करवा लेना चाहिए. सो गाइस, जब भी किसी को 3 वीक्स के लिए लगातार कफिंग वाला अगर स्पूटम हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा है, तो उनको कहीं सेंटर में जाके ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करवा लेना चाहिए. नेक्स्ट जंप टू द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. सो नेक्स्ट वन इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यूज फॉर द ट्यूबरक्लोसिस. कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं जो हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द ट्यूबरक्लोसिस? सो सबसे पहले जो इसका कंफर्मेटिव टेस्ट आता है, दैट इज द स्पूटम एग्जामिनेशन. स्पूटम एग्जामिनेशन, सो स्पूटम एग्जामिनेशन में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है वो उसमें बैक्टीरिया देखने को मिलेगा. दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर द ट्यूबरक्लोसिस. इट मीन्स ट्यूबरक्लोसिस को कन्फर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पूटम कल्चर करते हैं. सेकेंड थिंग आती है चेस्ट एक्सरे. चेस्ट एक्सरे, इट मीन्स एक्सरे में हम पूरा आइडेंटिफाई करेंगे कितने लंग्स को इफेक्ट किया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ने. एंड थर्ड वन इज द मोनटॉक्स टेस्ट, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट. सो ये वाला जो टेस्ट है, दैट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द ट्यूबरक्लोसिस. इट मीन्स इसको हम कंफर्मेटिव नहीं बोल सकते, बट यस हम इनको बोलेंगे स्क्रीन करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता. और इसमें हम क्या करते हैं, एक प्यूरिफाइड पीपीडी लेते हैं और उसको हम इंजेक्ट करेंगे स्किन के थ्रू, इंट्राडर्मली हम उसको इंजेक्ट करते हैं. और उस एरिया में हम क्या करते हैं, एक पेन से एक सर्कल लगा देंगे और 15 मिनट्स के लिए वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे कोई रेडनेस तो नहीं हो रही है, कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रही है. अगर वो एरिया 5 mm, ध्यान रखना, अगर वो एरिया 5 mm से ज़्यादा हो रहा है, किसका, जो HIV वाले पेशेंट का, अगर 5 mm से ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स वो उसको क्या हो रखा है, ट्यूबरक्लोसिस. सेकेंड थिंग, नॉर्मल पर्सन, जैसे एग्जाम्पल ले लो, कोई भी नॉर्मल पर्सन है, वो ट्यूबरक्लिन टेस्ट करने के लिए गया और उसको वो इंजेक्ट कर दिया उन्होंने, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे 10 mm से ज़्यादा एरिया कवर कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, जो रेडनेस है वो 10 mm से ज़्यादा हो गया, इट मीन्स वो कन्फर्म हो गया है कि इसके अंदर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है वो चला गया है. सो ये डिफरेंस है किसका, HIV पेशेंट का और नॉर्मल हेल्दी पर्सन का.
ओके लाइक अगर आप नॉर्मल हेल्दी पर्सन को बोलोगे मोर देन 10 mm, देन इट्स कंफर्म कि वहां पे स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव है. और अगर HIV पेशेंट का 5 mm से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव है. और गाइस अगर इससे कम होगा तो ऑब्वियसली वो टेस्ट क्या है, नेगेटिव है. सो नेक्स्ट वन हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. सो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी क्या कर लिया है, डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमने पढ़ लिया है. सो स्क्रीनिंग टेस्ट हम कर सकते हैं. लाइक अगर नॉर्मल पर्सन भी, फॉर एग्जांपल कोई क्राउडेड प्लेस में गया है और उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है 2 हफ्तों से, सो उसको जाके स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए एज सून एज पॉसिबल. सेकेंड थिंग आती है डॉट्स थेरेपी. What is DOTS therapy? It's direct observation treatment short course. For example, जिसमें क्या दी जाती हैं, कुछ drugs दी जाती हैं जो कि 6 to 12 months के लिए use की जाती हैं. At the time of birth, this is also included in the prevention BCG. आप सबको पता है at the time of birth, एक यहाँ पे left side में एक injection लगता है, that is called the BCG, Bacillus Calmette Guerin. ये मेनली यूज किया जाता है ट्यूबरोक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए. नेक्स्ट चीज आती है सोशल हाइजीन भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में, जिसके अंदर एडिक्वेट डाइट आएगी, क्योंकि मैंने आपको प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में पढ़ाया था कि माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, ये सारे कॉजेज रह सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस से. सो इसीलिए उनसे प्रिवेंट करने के लिए एडिक्वेट न्यूट्रिशन लेना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री हाउसिंग होनी चाहिए, पॉवर्टी कम होनी चाहिए, अच्छे से डिस्पोजल होना चाहिए. ये सारे किसके प्रिवेंशन होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के. नेक्स्ट गाइस हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट. सो ट्रीटमेंट में हम मेनली इसमें क्या यूज करते हैं, डॉट्स थेरेपी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट कोर्स. और जिसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, डॉट्स के अंदर कौन कौन सी आती हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्पसिन, पायराजिनामाइड, इथामबुटोल एंड लास्ट आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द एंटी बैक्टीरियल ड्रग. और ये क्या करती है, आपके 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है अगर इसको प्रेगनेंसी के टाइम पे लिया जाएगा. सो जो बच्चा होगा वो बहरा पैदा हो सकता है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन को इन द प्रेग्नेंट वीमेन. सो ये सारी डॉट्स की ड्रग्स आती हैं, जो कि मेनली कितने टाइम के लिए कोर्स चलता है, 6 to 12 months के लिए. और इसमें जितनी भी डोजेस जाती हैं या जितनी भी टैबलेट्स देते हैं वो इन फ्रंट ऑफ द पैरामेडिक स्टाफ या इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर के सामने ही हम पेशेंट को खिलाते हैं. सो लास्ट में हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, डायग्नोसिस एंड द इंटरवेंशन. सो क्या क्या डायग्नोसिस बनेंगे, फर्स्ट डायग्नोस होगा इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव स्पूटम या एक्सेसिव कफ भी आप बोल सकते हो. सेकेंड थिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग रिलेटेड टू एक्सेसिव कफ प्रोडक्शन. थर्ड थिंग आती है एक्टिविटी इनटॉलरेंस, क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस वाला पर्सन होता है उसकी एक्टिविटी, जो नॉर्मल डेली लिविंग एक्टिविटीज जो करता है उसको करने की कोई भी क्षमता नहीं होती. एक्टिविटी इनटॉलरेंस रिलेटेड टू वीकनेस.
नेक्स्ट थिंग आप मेंशन कर सकते हो फटीग, फटीग भी उसको रहेगा. नेक्स्ट थिंग आप मेंशन कर सकते हो लॉस ऑफ एपेटाइट, या आप इसकी जगह लिख सकते हो इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट. सो गाइज ये सारे क्या रहेंगे उसके नर्सिंग डायग्नोसिस. नाउ कम्स टू द नर्सिंग इंटरवेंशन. सो नेक्स्ट आर द नर्सिंग इंटरवेंशन रिलेटेड टू द ट्यूबरक्लोसिस. सो नर्सिंग इंटरवेंशन बेसिकली क्या रहती हैं जो आप केयर करते हो एक ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट की. सो सबसे पहले आप क्या करोगे, असेस द फिजिकल एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप सबको पता है. हम उसमें असेसमेंट, पालपेशन, ऑस्कल्टेशन, ये सारी चीज़ें देखते हैं. सेकंड थिंग आती है असेस ऑल द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट, ऑल द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट. और वाइटल साइन में आप मेनली क्या चीज़ें देखोगे इन ट्यूबरक्लोसिस, आप उसका रेस्पिरेटरी रेट देखोगे, बीपी देखोगे, टेम्परेचर देखोगे. थर्ड थिंग आती है स्क्रीनिंग टेस्ट. स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम उसको एडवाइस करेंगे डॉट्स थेरेपी में. अच्छे से हम उसकी ऑब्जर्वेशन रखेंगे, जो उसका मास्क है उसको भी हम अच्छे से अप्लाई करने के लिए बोलेंगे, हैंड हाइजीन के लिए बोलेंगे, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है, आइसोलेशन के लिए बोलेंगे. सो ये सारे किसके अंदर आते हैं, इंटरवेंशन फॉर द ट्यूबरक्लोसिस पर्सन. सो नेक्स्ट हम जंप करते हैं सेकेंड डिजीज कंडीशन, दैट इज द चिकन पॉक्स. सो नेक्स्ट डिजीज कंडीशन का नाम है चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स जिसका अनदर नेम क्या है, वेरिसेला. वेरिसेला. सो गाइस ये जो चिकन पॉक्स है ये मेनली किसमें देखने को मिलता है, अंडर द एज ऑफ 10 इयर्स, मेनली सीन इन अंडर 10 ईयर ऑफ एज ग्रुप. इट मीन्स आप बोल सकते हो मोस्ट कॉमनली ये देखने को मिलता है चिल्ड्रन में, और अनकॉमन इन अडल्ट. इट मीन्स अडल्ट एज में ये बहुत ही कम पाया जाता है. नेक्स्ट चीज आती है इनक्यूबेशन पीरियड. व्हाट इज इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड होता है कि जो इसका वायरस है उसने कब एंट्री की, और उसके बीच का जो टाइम है और साइन एंड सिम्टम जो फर्स्ट शो हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, इनक्यूबेशन पीरियड. सो इसका इनक्यूबेशन पीरियड रहता है, इनक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी. सो 14 टू 16 डेज का इनक्यूबेशन पीरियड रहता है चिकन पॉक्स का. इट मीन्स 14 to 16 days में उसको क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तो वायरस एंटर भी करेगा और उसको फर्स्ट साइन एंड सिम्टम भी वहाँ पे शो होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ द चिकन पॉक्स. सो मेन जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहता है चिकन पॉक्स का, दैट इज़ द वेरिसेला जोस्टर वायरस. सो दिस इज द मेन कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द चिकन पॉक्स. दैट्स वाई इसको हम और क्या भी क्या बोलते हैं, वेरिसेला. और जो वायरस का नाम है दैट इज द वेरिसेला जोस्टर वायरस. नेक्स्ट चीज हम देखते हैं इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इट मीन्स जो चिकन पॉक्स है वो कैसे कैसे फैल सकता है, कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है. सो इसमें सबसे पहले आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. सेकंड थिंग इज द फोमाइट के थ्रू. लाइक फोमाइट से क्या होगा, इन्फेक्टेड पर्सन से उठ के वो दूसरे हेल्दी पर्सन में चला जाएगा. एंड थर्ड थिंग क्या आती है कि जो चिकन पॉक्स का वेरिसेला जोस्टर वायरस है वो मेनली प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है. इट मींस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर किसी को चिकन पॉक्स हो रहा है तो गाइस उस
प्रेग्नेंट वीमेन को अबॉर्शन करवाना पड़ता है बिकॉज उसके जो फीटस है, उसका जो बच्चा है, उसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज होने के चांसेस रहते हैं. सो आप क्या बोलोगे? क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, और इसकी वजह से वो फीटस को कॉज करता है. नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में. सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं चिकन पॉक्स के अंदर. साइन एंड सिम्टम फॉर द चिकन पॉक्स. सो सबसे पहले पेशेंट को शो होगा फीवर. सेकंड थिंग होंगे रैशेज. जो रैशेज हैं वो मेनली ट्रंक, फेस एंड लिम्स के ऊपर शो होंगे. थर्ड थिंग इज द मैक्यूल. मैक्यूल जो कि क्या होंगे, फ्लैट ब्लैक स्पॉट की तरह वहां पे देखने को मिलेंगे. एंड ये जो मैक्यूल है ये विद इन 24 आवर्स ऑफ द चिकन पॉक्स वहां पे शो होना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड एट लास्ट जब ये मैक्यूल इनका जो वाटर होता है जब ये बाहर निकल जाता है, सो गाइज ये ड्राई होके एक स्कैब की फॉर्म बना देता है. इट मींस आप लिख सकते हो ड्राई टू स्कैब. लास्ट बट नॉट लीस्ट हम पढ़ेंगे इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. सो प्रिवेंशन और कंट्रोल में हम सबसे पहले देखेंगे कि वेरिसेला जोस्टर के लिए हम क्या चीज़ इंजेक्ट करते हैं. सो गाइस वेरिसेला जोस्टर के लिए हम एक इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्ट कर सकते हैं. प्रिवेंशन में हम एडमिनिस्टर्ड इम्यूनो ग्लोबिन्स. स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन्स आती हैं फॉर द वेरिसेला जोस्टर. सेकेंड थिंग है लोकल एंटीसेप्टिक जिसमें क्लोरहेक्सिडिन आता है. लोकल एंटीसेप्टिक जिसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है, क्लोरहेक्सिडिन, जो कि एक एंटीसेप्टिक कि बैक्टीरिया या वायरस को जो प्रिवेंट करता है उसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक. थर्ड थिंग है अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में हो गया है सो उसको हम क्या देंगे, एंटीबैक्टीरियल ड्रग देंगे. नेक्स्ट थिंग है हम उस पेशेंट को आइसोलेट कर देंगे. आइसोलेशन फॉर 5 to 7 days. इट मीन्स जब से उसको चिकन पॉक्स हुआ है तब से लेके 1 week तक हम उसको बिल्कुल आइसोलेशन रूम में रखेंगे. एंड लास्ट चीज हम यूज करेंगे जितने भी उसके आर्टिकल्स हैं उनको हम क्या रखेंगे, स्टराइल रखेंगे. इट मीन्स वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होने चाहिए. सो ये सारे थे चिकन पॉक्स से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम एंड प्रिवेंशन. सो आज हमने क्या पढ़ा, ट्यूब्रोक्लोसिस और चिकन पॉक्स के बारे में. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.